नमस्कार, सभी का स्वागत है। अभी तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो भी था प्रोविज़न रुका हुआ था, जो भी हमारे लेक्चर्स रुके हुए थे उसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर सबसे पहले एक तो अपील ज़रूरी है। तो हम लोग तो जो लेक्चर शुरू करेंगे ही, ऑब्वियस बात है, लेकिन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको स्प्रेड आउट करें, जो भी इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो से आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको आप लोग स्प्रेड आउट करो, ठीक है। तो आप लोग मेरे और पहले तो जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो वो करो आप लोग, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आप लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है ना, इसके सोशल साइट्स के, उन सब पे आप जुड़ सकते हो मुझसे। तो हमारा पेज है यहाँ पे फेसबुक पे, ठीक है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हो। आप लोग शिक्षा सदन 2012 से, और शिक्षा सदन की स्पेलिंग आप लोग देखना, SIK लिखा हुआ है, SH नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने शायद अपडेट भी कर दिया वहाँ पे, एक बार मैं देख लूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है शिक्षा सदन का, आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं इन सब पे आप लोग क्या कर सकते हो, आने के आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जितने भी जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगी, वैकेंसीज आने वाली होंगी, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ना, काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है ये भी, तो वो सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भविष्य में कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा ट्विटर आईडी, जो मेरी पर्सनल आईडी है, कोई कैंपेन चलाने के लिए, कोई जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम डिले हो रहा है या इस तरीके से, तो उसके लिए मेरी ट्विटर आईडी भी है। वहाँ पे आके हम लोग ट्वीट्स करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को टैग करते हैं, ठीक है। तो वो मेरी आईडी है @singh_manoj91, ठीक है। इसके अलावा मेरी एक इंस्टा की भी आईडी है जो मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, तो वो है हमारा manoj7 1291, ठीक है। सबसे वैकेंसीज के अपडेट के लिए आप इसमें किसी भी पेज से जुड़ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, पढ़ाई के रिगार्डिंग बात कर सकते हो कि कैसे स्ट्रेटजी रखी जाए पढ़ने की, कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हो, जो भी मतलब कॉम्पिटिशन से जुड़ी समस्या है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आप लोग जितना स्प्रेड आउट कर सको इसको स्प्रेड आउट करो, और हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि मौलिक अधिकारों का है Part 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है, ओके। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोगों ने मौलिक अधिकार को जो है लास्ट जो छोड़ा था उससे आगे हम लोग अब इसको लेके जाएंगे, ठीक है। और उसमें जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स कर लिए थे, हम लोगों ने दो जो है बेसिकली स्लाइड्स, जो वीडियो लेक्चर्स जो है ना ऑलरेडी हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। और अब जो तीसरा वीडियो लेक्चर है वो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से शुरू होगा, उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पिछले जो दो पार्ट्स हैं पहले उसको देखिए, मौलिक अधिकारों के टॉपिक के, उसके बाद यहाँ पे लौट के आइए, ठीक है। आपके उसके जो डिटेल्स हैं लिंक्स की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। पिछले दो प्लेलिस्ट की ही पूरी लिस्ट आपको वो मिल जाएगा, मतलब कि प्लेलिस्ट का ही वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग लाइक कर सकें, ठीक है, एक टारगेट सेट करते हैं हम लोग, ठीक है, 500 लाइक्स का। अगर जितना ज़्यादा हो सके आप इसको स्प्रेड आउट कर सकें करिए, और जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं इसे लाइक करिए, ठीक है, ताकि ये और लोगों तक पहुँचो और बाकियों को भी इस बात का मैसेज मिले कि यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, ताकि लोगों की भटकन का इलाज हो गए, लोग इधर उधर ना भटकें और सही जगह पर आके अपने नॉलेज को गेन करें, ठीक है। तो बाकी के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग इसको और ज़रा कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो था लास्ट हम लोग जिन्होंने किया था वो यहाँ पर था, यहाँ पे देखो हम लोग शायद यहाँ से हम लोगों को कंटिन्यू करना था धार्मिक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को अबाध रूप से स्वयं के धर्म के आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो चाहे किसी भी उसका हो वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण व प्रचार करने का अधिकार होगा, ठीक है। किंतु राज्य को यह अधिकार हो कि वह अनुच्छेद 25 के संबंधित किसी भी आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या सामाजिक कल्याण या लोक व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है ना। मतलब कि क्या कहना चाह रही है कि वैसे तो
किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम होगी कि वो कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकता है, इसके लिए उसको कोई भी प्रकार का मतलब बाउंडेशन जो है मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसी के तहत अनुच्छेद 25 में ही राज्य अगर चाहता है, राज्य को अगर लगता है कि राज्य को अगर समस्या है, कोई आर्थिक समस्या आ जाती है इस किसकी वजह से, या वित्तीय समस्या या राजनीतिक समस्या, तो इसके कारण से जो है वो उस पर प्रतिबंध जो है वो आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, या फिर उसको रोक सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है गाइस, वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आवश्यकता स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण आदि के विषय में प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, चूंकि ये 25 से 28 तक है, तो 25, 26, 27, 28 चारों में आर्टिकल पढ़ने, तो 25 ये कह रहा है, 26 ये कह रहा है, और 27 क्या कह रहा है वो देखते हैं। पर 26 को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है, और इसके अंदर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो किसी प्रकार की धार्मिक संस्था की स्थापना जो है कर सकता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के स्वतंत्रता प्रदान की गई, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके एकत्रित संपत्ति से किसी धर्म विशेष का पोषण किया जाता हो, ठीक है। मतलब कि आप गवर्नमेंट जो है वो किसी, ये गवर्नमेंट या कोई भी बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आपको जो है ना टैक्स देना है इसके लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए, या गवर्नमेंट जो है टैक्स के पैसे को इस प्रकार से किसी रिलीजन पे जो है खर्च नहीं करेगी, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि के राज्य निधि से पूर्णतः परिपोषित किसी शिक्षण संस्थान से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कि कोई भी सरकारी पैसे से कोई धार्मिक रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। राज्य से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ज्ञात है कि उपरोक्त, ये तो वैसे लिखा हुआ ध्यातव्य है कि, ठीक है, इसको ज्ञात भी पढ़ सकते हैं हम लोग, हमें मालूम है कि उपरोक्त उपबंधों का उद्देश्य देश में एक पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था की स्थापना करनी है, ठीक है। हालांकि पंथ निरपेक्षता की यह भावना मूल रूप से अन्य देशों में प्रचलित पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न है। समानता इसका अर्थ यह है कि भारत में ना तो राज्य का कोई धर्म होगा और ना ही राज्य धर्म विरुद्ध होगा, लेकिन अन्य देशों में वो लोग एक कास्ट या एक कम्युनिटी या एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो अनुच्छेद 27 से 30 की अगर हम बात करें तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है वो उसकी चर्चा हो रही है। तो अनुच्छेद 29 के कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि 27 का आ गया, तो 27 की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये 29-30 होना चाहिए गाइस, ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। अनुच्छेद 29-30 होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा का अधिकार है, अपनी बोली का, अपनी लिपि को, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, ठीक है। और इसके अलावा उसे राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूल, वंश आदि लिंग के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी भी गवर्नमेंट उसमें जो है ना धर्म के आधार पर उसको बैन नहीं किया जाएगा, रिलीजन के आधार पर, है ना, उसके सेक्स के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर उसको अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 30 का कहता है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग है ना, धार्मिक या भाषाई आधार पर, जिस आधार पर भी उनको बनाया गया है, ठीक है, वो अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, जैसे सिख जो है वो कोई सिख कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है, राज्य जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने में इस आधार पर भेद नहीं करेगा किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, अगर चाहे तो वो अपनी आर्थिक सहायता दे सकती है, ठीक है, लेकिन पार्शियलिटी नहीं कर सकती, ठीक है। अगला जो गाइस बनता है आपका अनुच्छेद 32, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में से एक सवाल आता ही आता है, चाहे वो वन डे एग्जाम्स हो SSC का या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हो, अनुच्छेद 32 से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किसी भी मौलिक अधिकार के इम्प्लीमेंट ना होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 32 का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है।
और इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उपचार का मतलब होता है गाइस ट्रीटमेंट, यानी आपके जो छह मौलिक अधिकार हैं जो कि मूल अधिकार जो कि मूल संविधान में सात थे, अब छह रह गए हैं, उनमें अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ऐसा ये कहता है। तो इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी 200 बार पूछा गया है, ठीक है, आगे शायद आएगा भी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य गैर मूल अधिकार या संवैधानिक अधिकार या लौकिक अधिकार की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 266 के तहत, है ना, अनुच्छेद 200 हाई यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत तथा उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, ठीक है, सॉरी उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। अब हाई कोर्ट जाने के बाद या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या हाई कोर्ट क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 32 जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है कि आपका कोई भी मूल अधिकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, ये कहता है। अब बात करते हैं गाइस कि इसकी कि जब आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, शायद आपको यहाँ पर दिखने लग रहा होगा, ठीक है। वो 5 प्रकार के रिट में पहला है गाइस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या चीज़ कह रहा है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है गाइस कि अगर किसी व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना, मतलब कि खुद को प्रस्तुत किया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुद को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। यह एक रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को जो है ना कानून के अगेंस्ट उसको हिरासत में लिया गया है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वो संबंधित न्यायालय संबंधित अधिकारी को जो है वो तलब देता है या आदेश करता है कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसको न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तथा उन कारणों को स्पष्ट किया जाए जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है। यदि न्यायिक जांच में संबंधित अधिकारी विधि समस्त कारणों से स्पष्ट नहीं कर पाता तो वह उसे मुक्त करने का आदेश देता है, ठीक है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब गिरफ्तारी विधि समस्त हो, सम्मत हो, या कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तथा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तो ये रिट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगला जो सेकंड कह रहा है गाइस आपका, उसको मैंडमस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, लेकिन कौन आदेश देता है और क्या आदेश देता है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जब कोई सार्वजनिक इकाई है ना, जब कोई पब्लिक बॉडी जो है वो अधीनस्थ न्यायालय निगम या सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है ना, चाहे कोई छोटा न्यायालय हो वो अपने अधिकार का पालन ना कर रहा हो या कोई अधिकारी अपने न्यायालय का पालन ना कर रहा हो, अपने अधिकारों का पालन ना कर रहा हो, तो उस केस में ही जारी किया जाता है, ठीक है। और इसके मतलब क्या कहा जाता है, इसमें वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता हो तो उच्चतम न्यायालय जो है वो आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन अपने अधिकार क्षेत्र में रह के करें। ये हम लोग परमादेश की बात करते हैं। फिर प्रोविटेशन की बात करते हैं, जिसमें को हम लोग प्रतिषेध लेख कहते हैं। जब किसी न्यायालय द्वारा अधिकरण किसी मामले पर विचारार्थ हो तो यह रिट जो है उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह उक्त प्रकरण का विचार रोक दे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी और न्यायालय का केस जो है किसी और न्यायालय में चल रहा हो तो उसे ये कह सकता है ना, तो न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तो पूरे इंडिया ही है, ठीक है, हर एक न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का ही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा देश ही माना जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो है वो कंप्लीट जो है वो उसको रोकने की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा वो सेरिटोरी है, जिसको हम लोग उत्प्रेषण करते हैं। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है वो एक बार देखो आप लोग, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है,
उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ या अधिक जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जानकारी प्राप्त करना होता है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को लागू जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय के लिए, तथा अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों के अनुसार के लिए जारी किया जाता है। सामान्यतः उत्प्रेषण रिट न्यायिक भूलों और सुधारने के लिए जारी की जाती है। मतलब पहली बात, ये जो उत्प्रेषण है सर्टिओरी है जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जूनियर जितने भी कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई और कट गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके लिए जारी करता है, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट जूनियर होता नहीं है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें गाइस, तो आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है पांचवी रिट जो कहता है भाई, यह इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद या विशेषाधिकार के दावों की वैधता की परीक्षा की जाती है, और इसके तहत न्यायालय इससे पूछता है कि वह किसी विधि के अनुसार पद धारण किए हुए हैं, किस विधि के अनुसार जो है वो पद धारण किए हुए, मतलब कि अधिकार परीक्षा में न्यायालय जो है वो अधिकार से पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो उस पद पर नहीं बैठा है जिसके लिए वो उसको चुना गया है, और वो किसी अन्य पद पर जाके काम कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो न्यायालय इस पर बात पर उससे पूछता है कि वो किस अधिकार से वहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यदि वो अधीनस्थ रूप से पद धारण किए हुए है तो न्यायालय उसे पदमुक्त होने का आदेश देता है ना। अगर वो पद जो है वो ऑफिशियली या बाई ऑर्डर जारी नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है या कॉपरेटिव की वजह से, तो उसको जो है हटाने की बात वो करता है न्यायालय, या उसको हटा देता है। क्यों वारंटी में किसी को पद से हटाने की बात की जाती है बेसिकली, अगर हम साधारण भाषा में बात करें गाइस। पांच प्रकार के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है ना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए भी रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि एक तरह से कहा जाए कि उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, ठीक है, परंतु उच्च न्यायालय मात्र स्वयं के न्यायिक क्षेत्र की विस्तृत तय की गई रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का अधिक क्षेत्र अधिकार अधिक विस्तृत है। भाई अगर क्षेत्राधिकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार तो वैसे भी अधिक है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है, और वैसे तो हाई कोर्ट भी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट पर्टिकुलर किसी एरिया का ही हो सकता है, जैसे किसी राज्य का हो सकता है ना, या किसी यूटीज का भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि पूरे देश का होता है इसलिए उसका न्यायिक क्षेत्र भी ज़्यादा है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का संशोधन, भाई मौलिक अधिकारों में कितनी बार संशोधन हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में हम मौलिक अधिकारों का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो एक बार ये स्लाइड्स जो है ना देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये देखो आप लोग, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केशवानंद भारती का केस है, बाकी सारे केस और बाकी सारे संशोधन सारे के सारे, ठीक है। तो कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है, एक बार आप इसको रीड आउट करेंगे पॉज करके वीडियो को, तो सारी बातें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो हमारा जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो हमारा मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, उसको आप लोग देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, प्रीएम्बल के बाद, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करते हैं कि फैक्चुअल डाटा में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, और हमने पूरे टॉपिक में जो लास्ट की जो ये हमारी तीसरी वीडियो है ना, तो इन तीनों वीडियो का क्या सारांश निकलता है, क्या समरी निकलती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले कि जो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले भाई कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले जो है वो ब्रिटेन में विकसित हुई थी, ठीक है ना, अधिकारों की बात सबसे पहले जो है वो ब्रिटेन में हुई थी, अमेरिका में नहीं हुई थी, लेकिन इसको लागू करने का प्रावधान जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका में लगाया गया था। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संवैधानिक विधेयक 1895 में की गई थी, मतलब पहली बार जो इसकी डिमांड जो हमारे यहाँ पे 1895 में की गई थी। भारत के में मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 प्रकार के हैं, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, और न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के द्वारा किया गया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अच्छादन का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के भिखाजी नाम बनाम मध्य प्रदेश में दिया गया, ठीक है,
ये एक पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग और सर्च कीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है वो विधायतन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधिक समता और समान विधिक संरक्षण प्रदान करता है, यानी समानता का अधिकार देता है बेसिकली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता का प्रोविजन देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है, हमने पढ़ रखा था ऑलरेडी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी मूल अधिकारों की, उसमें आप लोग जाकर देखना। तो उपाधियों का अंत तो हमने कर दिया, लेकिन कुछ उपाधियाँ जो हमारी एजुकेशनल उपाधि हैं उसको हमने अंत नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें आती हैं आपकी क्या कहते हैं उसको, जैसे कि कोई CA है या कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के नाम डॉक्टर की उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकता है। तो डॉक्टर मान के चलो उसका नाम अगर मनोज है तो मनोज लगा सकता है, या कुछ और नाम है तो वो लगा सकता है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो अपनी डिग्री आगे लगा सकता है, कोई CA है तो वो डिग्री लगा सकता है। इसके अलावा जितने भी आर्मी से मिलने वाली उपाधियाँ हैं, क्योंकि इन उपाधियों से ना ऑप्टिमिज्म फैलता है, आशावाद फैलता है, नेगेटिविटी नहीं होती है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर जो उपाधि दी जाती है, जैसे लॉर्ड की हो गई या इस तरीके से हो गई, वो सारी नेगेटिविटी के लिए जानी जाती है। तो इसलिए हमने कुछ उपाधियों का इसमें एक्सेप्शन भी रखा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, उपाधियों का अंत हमने 18 अनुच्छेद 18 के तहत किया था। अनुच्छेद 21 का के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, और मेमो डिबेट विस वेजरी का सिद्धांत जो है वो दोहरे दंड के सिद्धांत से संबंधित है। दोहरा दंड मतलब कि हमारे देश में तो दोहरा दंड है नहीं ना, हमारे देश में तो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही सजा दी जा सकती है, और उसको रोक करके हम सजा का प्रोविजन बढ़ा भी नहीं सकते, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हो आप लोग, मेमो डिबेट विस क्विजरी, ये व्यक्ति का नाम है बेसिकली, ठीक है। आत्म अभिमंशन का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 20(3) से संबंधित है। फोन टैप करना अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के वर्णित एकांतता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार जो है उसका अतिक्रमण है। शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, कार्यवाही लंबित होने की दशा में प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। किसी लोक सेवा द्वारा आज्ञापरक कर्तव्य ना पूरी होने पर परमादेश रिट जारी की जाती है। अलग अलग रिट्स के अलग अलग प्रोविजन लगाए, प्रतिषेध कब होगा, परमादेश कब होगा, ठीक है। इसके अलावा जो विकाजी बनाम मध्य प्रदेश है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अच्छादान या ग्रहण का सिद्धांत जो है वो दिया था, ठीक है। चिरंजीत लाभ बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। आगे बात करें, कई सारे केसेस जो है ना वो इससे जुड़े हुए हैं प्रोविजंस के, ठीक है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हो ना, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखो, देवासेन का केस है, ठीक है ना, चंपाकरण देवराजन का केस है, विदेश जाने के अधिकार के मामले में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस है, ठीक है। इसमें मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। बाद में केशवानंद भारती में इसी को ओपन कर दिया गया था, दोनों केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोहिनी जैनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार बना दिया, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो पढ़ चुके हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा इतना ही था ये टॉपिक मूल अधिकार का, ठीक है। मूल अधिकार के जो लास्ट के हमने पॉइंट्स किए वो काफ़ी रिमेंबरिंग है। अब अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो हम आगे देखेंगे, मैं भी अब इस वीडियो में आपको टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मेरा आपसे एक फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि जितना ज़्यादा इसको स्प्रेड आउट कर सकते हो प्लीज़ इसको स्प्रेड आउट कीजिए। लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। खाली बार बार वीडियो देखना कोई फ़ायदा नहीं होता, एक बार वीडियो देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए नमस्कार, और खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।